फिल्म काईपोचे से लाइमलाइट में आने वाले एक्टर अमित साध की अगली फिल्म सरकार 3 रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले रिलीज हुआ था, जिसमें अमित के काम को सराहा जा रहा है। इससे पहले अमित ने काईपोचे और सुल्तान जैसी हिट फिल्म में काम किया, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद थी। हाल ही में अमित ने TOI को एक इंटरव्यू दिया। इसमें अमित ने अपनी अपकमिंग फिल्म से लेकर स्ट्रगल के दिनों के बारे में बात की। अमित ने यहां जो खुलासे किए उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अमित ने बताया कि फिल्म काईपोचे में जो सफलता राजकुमार राव और सुशांत को मिली वो उन्हें नहीं मिल पाई। इसकी वजह ये थी कि उनकी अगली फिल्म रिलीज होने में 2 साल लग गए। इतना ही नहीं, हिट फिल्म के बावजूद उनके पास फिल्मों के ज्यादा ऑफर नहीं थे, इसलिए वो 6 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पर निकल गए। अमित ने बताया, मेरी जिंदगी में ऐसा समय भी आया था जब मैं ऑडिशन के जाता था और रिजेक्ट हो जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो मेरी जिंदगी के बुरे दिन थे। जब मैं उदास होता था तो अपने ड्राइवर इमरान से बात करता था। वो मेरे लिए पिता से कम नहीं है। उन्होंने ही मुझे हिम्मत और मैं यहाँ तक पहुँचाए। इतना ही नहीं, अमित ने बताया कि उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब वो दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा और बर्तन करते थे। अमित सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर चुके हैं। ऐसी कोई जॉब नहीं बची जो अमित ने ना की हो। अमित ने ये भी बताया कि वो सिर्फ 11वीं तक पढ़े हैं।